का जो मामला बच्चियों की जो नाजेबा तस्वीर की सूरत में सामने आया है या जो नशावर अशिया या उनकी मवाद की जो सप्लाई है वो मामला जो सामने आया है, तो इसमें जो तहकीकात हुई है उसमें जो पता चल रहा है कि इसमें ना सिर्फ उनको हरासा करने के लिए या उनको प्रमोट करने के लिए अगली क्लासेस के अंदर टीचर्स इन्वॉल्व थे, बल्कि उनके साथ ना सिर्फ तलबा बल्कि तालबात का भी कुछ एक ग्रुप जो था वो उनको हरास करके और उनको प्रमोट करने का लालच दे के ये सब काम करते रहे हैं। तो सर ये एक इंतहाई जो अलार्मिंग सिचुएशन है, हम अपने बच्चों को किन अदारों में भेजें या ना भेजें तो ये हमारे मुस्तकबिल के ऊपर एक ज़र्ब है अगर हमने इस पर एक्शन ना लिया। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि इसको किसी मुतल्लिका फोरम या मुतल्लिका कमेटी के हवाले करके एक मखसूस टाइम दीजिए 2 या 3 दिन का, और उसमें इंक्वायरी करके उसकी रिपोर्ट मंगवाई जाए और इस हाउस के सामने रखी जाए और इसके लिए कुछ सजाएँ भी तजवीज़ हों ताकि आइंदा जो है इस तरह के जो हमारी मदरसे हैं या हमारे जो इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बच्चों के पढ़ाने के इंस्टीट्यूशन हैं, अगर ये वाकया किसी मदरसे में हुआ होता तो इस वक्त हाउस का एक एक बंदा चीख चीख के जो है इसके ऊपर जो है तवज्जो दिला रहा होता और पूरा मीडिया भी यही काम कर रहा होता। लेकिन ये अब एक यूनिवर्सिटी का मामला है और इंतहाई ख़तरनाक मामला है, लेकिन इस हाउस में मैं हैरान हूँ कि कोई इसके ऊपर किसी ने तवज्जो नहीं दिलाई। तो मोहतरम, इसके ऊपर मैं चाहती हूँ कि आप एक्शन लीजिए और रिपोर्ट मंगवाइए।